भिंडी लगा रहे हैं, भिंडी लगेगी इसमें। ये है भिंडी का बीज, लगा भिंडी, हल्के से खुरपी से खोदा इस तरह से, खोद के थोड़ा सा गड्ढा बनाया और इस तरह से एक एक धनिया लगाने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। धनिया दिखाओ, ये बोया जा रहा है पालक। धनिया का बीज मिट्टी में इस तरह से मिलाना है, कर देंगे ढक देंगे छुपा देंगे। ये है भिंडी, सीधा करो पैकेट को, सीधे हैं पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये भिंडी लगा रहे हैं, उधर भी लगाई थी पिछली बार, फिर और कम है तो अब और लगा रहे हैं। भिंडी कम है थोड़ी, भिंडी और लगा रहे, लगाओ भिंडी। खेत तैयार कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं भिंडी लगाने के लिए। भिंडी लगेगी इसमें और उसमें, दोनों में क्या लगाया आगे? हरा धनिया, धनिया भी और लगा दो श्यामलाल, धनिया भी कम है अभी। हाँ बहुत कम आया, पालक और लिया, पालक भी कम रहा, अभी लाओगे पालक? अच्छा ठीक है, हम आपको भिंडी लगाने का तरीका बता रहे हैं। भिंडी अपने यहाँ किचन गार्डन में भिंडी लगा रहे हैं, देखिए किस तरह से भिंडी लगती है। लगाओ भिंडी श्यामलाल, श्यामलाल आए हुए हैं, भिंडी लगा रहे हैं। ये भिंडी का बीज दिखाना श्यामलाल, ये है भिंडी का बीज, लगाओ भिंडी। हल्के से खुरपी से खोदा इस तरह से, खोद के थोड़ा सा गड्ढा बनाया और इस तरह से एक एक भिंडी का बीज इस तरह से गाड़ना शुरू करा। भिंडी लग रही है, ये है सही तरह, सही तरीका भिंडी लगाने का, ऐसे भिंडी लगाई जाती है। एक एक बीज भिंडी का इस तरह से बोया जा रहा है। सब मिक्स कर दिया लगा के हाथ से इन्होंने, अब ये बैठ जाएगा। कितने दिन में निकल जाएगी भिंडी, जमने लगेगी? चार पांच दिन में? चार पांच दिन में भिंडी का बीज जम जाएगा, पौधा ऊपर आ जाएगा। एक क्यारी में आ जाएगा सारा बीज? देखो एक में लगेगा कि दो में, दो क्यारी बनाना पड़ेगी। सब बेल वेल भी लगे हुए हैं, ये ऊपर लगे हुए बेल। रेड केला, ये किचन गार्डन, श्यामलाल भिंडी लगा रहे हैं। ये लगा हुआ है अंजीर, हवाएं तेज चल रही हैं। अंजीर का बहुत बड़ा पेड़, बहुत
बहुत सारे केले के पेड़ हैं यहाँ लगे हुए। बहुत शाशाह हवाएं चल रही है, बहुत तेज वाली। आज भी लगता है कोई आंधी वांधी आएगी क्या? आंधी का टाइम है। हाँ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी हैं, लगता है आंधी आ जाएगी। एक किराई तो पूरी हो गई तुम्हारी, सब में लग गई भिंडी। ये सामने खड़ा हुआ ड्रैगन फ्रूट का छोटा सा प्लांट। अब ये दूसरा पैकेट खोलना है, एक पैकेट लग गया। दो क्यारी बनाई है तुमने श्यामलाल, दो क्यारी में लगाओगे। अब दूसरा पैकेट खोलना है। कितना हरा भरा हमारा किचन गार्डन, देखिए कितना हरा भरा है। चारों तरफ हमने पेड़ ही पेड़ लगवा रखे हैं, पूरी हरियाली से भरपूर, बहुत ही खूबसूरत सब। पेड़ बहुत ठंडक देते हैं, छांव मिलती है। देखिए कितने घने पेड़ हैं, ये अंजीर का ठंडक दे रहा है। श्यामलाल दूसरी कढ़ाई में लगा रहे हैं। अब यहाँ की ये वाली कंप्लीट हो गई क्यारी, एक क्यारी भिंडी, दो क्यारी में भिंडी लगेगी। ये दूसरी क्यारी में लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, भिंडी लग रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक सब भिंडी लग गई। क्या कह रहे हो? सही है। हाँ हाँ हाँ, आगे की तरफ धनिया कर दो, इसमें करो पालक, पत्तों की वजह से कह रहे हो, पत्ते गिरेंगे। अच्छा, किधर पालक किधर करोगे? हाँ ठीक है, सही है। हाँ हाँ, हरा धनिया उधर लगाओ, आगे पानी लगता रहेगा। अच्छा ठीक है, ये धनिया लगाने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। इसमें लगाएंगे धनिया, धनिया बोएंगे इसमें। एक क्यारी में बहुत धनिया हो जाएगा। सब इस तरह से खेत तैयार होता है। धनिया दिखाओ, ऊपर उठाओ। हाँ ये है धनिया, अब ये धनिया बोएंगे। बो दो श्यामलाल धनिया। श्यामलाल धनिया लगा रहे हैं, ये है धनिया। थोड़ा चिड़िया भी बीन जाती हैं इसी वजह से, चिड़िया भी बीन जाती हैं इस वजह से धनिया कम हो गया हमारा। तुमने ज़्यादा इस बार सही करा, ज़्यादा मंगा लिया, सारी चिड़िया बीन गई थी, धनिया पड़ गया कम, बहुत कम धनिया निकला। फिर से दोबारा से धनिया लगवा रही हूँ, अब की मैंने ज़्यादा मंगाया, दो क्यारी मैंने क्या लगाओ।
सब धनिया लग गया। अब पक का बीज दिखा। आपके सही है करो बीज। ये अच्छा है बीज, बढ़िया जानदार बीज है लगा। ये बोया जा रहा है पालक। पालक भी 4-5 दिन में निकल आएगा। धनिया भी निकल आएगा 4-5 दिन में। धनिया टाइम लेता है, 8 दिन का टाइम लेगा धनिया कह रहे हैं। इधर लग रहा है पालक। ये सब पालक बोया जा रहा है इधर, एक क्यारी भर के पालक। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ढक देंगे, छुपा देंगे धनिया को। धनिया लग गया है, इसको एक सा कर रहे हैं, वो अंदर बैठ जाएगा बीज उसका। इस तरह से करने से, मिक्स करने से, बाद में पानी लगाएंगे। कंप्लीट हो गया। इस तरह से सब्जियां लगती हैं, सब मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से सब मिक्स करना है, हो गया मिक्स। धनिया का बीज मिट्टी में इस तरह से मिलाना है, पहले उन्होंने डाला फिर उसके बाद मिक्स कर रहे हैं सब मिट्टी में। धनिया बैठ जाएगा नीचे और ये फिर धनिया 8 दिन में ऊपर आ जाएगा, 8 से 10 दिन कह रहे हैं लगेंगे ऊपर आने में। और पालक जल्दी आ जाता है, 4 दिन में 5 दिन में पालक आ जाता है। ये सब एक सा कर लिया इन्होंने, बैठ गया बीज, कंप्लीट हो गई पूरी क्यारी। तीसरी क्यारी धनिया की, इसको भी इसी तरह से मिक्स कर रहे हैं ये। दाना जो ये जो इन्होंने बीज लगाया है इसको मिट्टी में मिला रहे हैं, इस तरह से बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद चिड़ियाँ भी कम खाएंगी और ये छुप जाएगा, मिक्स हो जाएगा ज़मीन में, फिर उसके बाद धनिया तैयार हो जाएगा। इस तरह से करना। ये हो गया हमारी दूसरी क्यारी का भी काम कंप्लीट। धनिया और पालक और भिंडी सारी सब्जी हमारी लग गई है, कंप्लीट हो गया है काम।